हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। गोवा सीरीज में आपका वेलकम है। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं साउथ गोवा। साउथ गोवा में जितनी भी प्लेसेस होंगी हम सारी एक्सप्लोर करेंगे और आपको साथ में ले जाएंगे, राइट? यस गाइस, सो साउथ गोवा के लिए टूर है, काफ़ी डिटेल टूर है। तो कल हमने नोटबुक में बताया आज साउथ गोवा है कम्प्लीट, सारे टेम्पल, सारे चर्चेस, सारे जो कैथेड्रल का पुराना आर्किटेक्चर है वो सब देखेंगे आज हम। और आज बहुत मजे आने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। so प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हम ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं, हमारी कैब आने वाली है। सो लेट्स गो। आर यू एक्साइटेड फॉर द साउथ गोवा? वेरी मच एक्साइटेड, यस, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हमने अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। ब्रेकफास्ट किया, बहुत तेज भूख लग रही थी और हम लोग जल्दी से खा के निकल गए। सो गाइस, आ गए हम अरेबियन सी, समुद्र के किनारे। यहाँ ये पेंजिम वाला बीच है, शांत बीच है, कोरल आइलैंड बोलते हैं उसको। और देखिए गाइस, दिखाते हैं आपके यहाँ के नज़ारे, काफ़ी सुंदर है ये वाला बीच भी और काफ़ी शांति है। डॉल्फिन साइट सीन्स भी होती है, पर थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। गाइस, साउथ गोवा टूर के हमारी पहली डेस्टिनेशन है पेंजिम लगा हुआ कोरल बीच, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ से आगे बोट जाके जाते हैं उस साइड पे, तो डॉल्फिन दिखाते हैं, बट बोट अपना सेफ लगा नहीं इसलिए हम लोगों ने वो प्लान कैसे कर दिया, हम लोग यहीं पर ही हैं गाइस। पेंजिम गोवा की कैपिटल है गाइस, और ये जो बीच है बहुत ही क्लियर साफ सुथरा है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा सा गहरा है यहाँ पे इस जगह पे, और डॉल्फिन भी आगे हैं तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला बोट राइड्स होते हैं जो कि मोटर बोट्स और बड़े बड़े बोट्स लेके जाते हैं आगे की तरफ, कहते हैं ऐसा डॉल्फिन दिखता है बट मोस्ट ऑफ द लोगों को डॉल्फिन नहीं दिखा सकता। तो गाइस, ये हमारा स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है, बने रहिए हमारे साथ, इसके बाद चलेंगे अगले डेस्टिनेशन में। आके कुछ मैं शॉट लगा दूंगा, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। फाइनली हम लोग व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं जहाँ पे सिंघम की शूटिंग हुई थी, सिंघम की और एक दो मूवी और की, जहाँ पर सिंघम साइड पॉइंट भी बोला जाता है। हाँ, जहाँ पर एक मूवी में कमल हसन ने सुसाइड किया था वहीं जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा है नज़ारा। ऐसे ही कितना सुंदर लग रहा है, रोड दिखाओ कितनी प्यारी है। सो गाइस, ये देखिए, ये वही एरिया है जहाँ पर सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ पलटती हैं वो रोड शूटिंग के स्टाइल में, और ये काफ़ी बड़ा मार्केट सा है और यहाँ मोस्टली लेडीज़ और गर्ल्स की ही शॉपिंग के लिए ड्रेसेस, कैप्स, बैग्स मिलते हैं। मेंस और लड़कों के लिए कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। सिंघम मूवी और मैं जूम कर देता हूँ, ये वो व्यू पॉइंट है, हाथ कर अपना ये वाला, वो सिंग वो वहाँ पर पैरासेलिंग हो रही है। सो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है मंगेशकर टेंपल, जो कि 1500 साल पहले बना था। और इस टेंपल को ऐसा बोलते हैं कहने के लिए कि लता मंगेशकर ने इस्टेब्लिश करवाया, जैसा कैसा कुछ नहीं है। जगह का नाम मंगेशकर है और उस जगह के नाम पर इस टेंपल का नाम पड़ा है। और हाँ, सो लता मंगेशकर बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहाँ पे हुई हैं, दैट इज़ वाई उनका सरनेम मंगेशकर है। और तो जाके देखते हैं, धूप बहुत हो रही है, यस। उसके बाद हम लोग अपना लंच करेंगे, तो अंदर जाके आपको व्यूज़ दिखाते हैं। सो गाइस, ये टेम्पल है जो बेसिकली सारस्वत ब्राह्मण्स ने एस्टेब्लिश किया था 1500 साल पहले। ये इन्फॉर्मेशन दे गई थी तो मैं आपको देता हूँ इन एडिशनल, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय सारस्वत ब्राह्मण्स। तो गाइस, रास्ते में जा रहे थे तो ये सब फूल की टोकरियाँ देने वाली दीदियाँ बैठी हुई थी, काफ़ी सारे लोग खड़े थे। ये वहाँ का फेमस तालाब है जो कि जस्ट मंदिर से पैरेलल बना हुआ है और ठीक मंदिर के गेट के बगल में है। तो गाइस देखिए, फाइनली गेट आ चुका है मंदिर का और ये एंट्रेंस है, हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और ये यहाँ पे स्कूल की पिकनिक के लिए काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, उन लोगों की पूरी लाइन लगी हुई थी। तो ये देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुली टेंपल लग रहा है देखने में। अब हम अंदर जाने के लिए व्यवस्था करते हैं।
वहाँ पर पहुँचने के बाद गैस मालूम पड़ा हमको कि यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड नहीं है, तो अदिति वेस्टर्न ड्रेस में थी तो उसको अंदर जाने नहीं दिया, बट आई वॉज इन ट्राउजर्स तो मुझे अलाउ कर दिया। आइदर देयर टू वेयर साड़ी और सूट देन ओनली दे कैन गो इनसाइड। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी मंगेशकर टेम्पल आके जाता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये साड़ी या सूट में ही लड़की जाएँ। बॉयज़ को पेंट्स में ट्राउजर्स में अलाउ कर देते हैं। ये गाइस में देखिए चुपके से वीडियो बनाया, ये एंट्री, ये आखिरी एंट्री शॉट था, इसके बाद उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया, मेरा कैमरा रखवा लिया। गाइस गौरव करके आ चुके हैं एंट्री मंदिर में, क्योंकि मैं वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए इसलिए मुझे अलाउड नहीं था। कैसा था एक्सपीरियंस अंदर जाके? बहुत अच्छा दर्शन हुए गाइस, बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, फ़ोन उन्होंने मना कर दिया था यूज़ करने से। तो दर्शन करके मैं जस्ट बाहर आया हूँ। ये अंदर बैकग्राउंड पीछे का बहुत अच्छा टेम्पल है, वेस्टर्न अलाउड नहीं है, लेकिन जो भी नेक्स्ट टाइम आ रहा हो दर्शन करने के लिए ध्यान रखे वेस्टर्न अलाउड नहीं है यहाँ पर। एटलीस्ट फुल ट्राउजर होना चाहिए, अदरवाइज लुंगी होना चाहिए, ये साड़ी होना चाहिए, सूट होना चाहिए, नीचे से ओपन नहीं होना चाहिए। बट वॉज एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टुगेदर। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोवा में भी टेम्पल हो सकता है, बट दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द हिंदू डायनेस्टी, ऐसा बोलते हैं कि सारस्वत ब्राह्मण ने इसको 1500 साल पहले बनाया था, और बहुत प्यारा बना हुआ है, कितना नीट एंड क्लीन है ना, बहुत साफ है, मेंटेन्ड है। सो हम अब जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, मिलते हैं आपसे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने टेंपल नंबर 2, वो है बालाजी टेंपल। अभी अंदर जाके देखते हैं, कंपाउंड में एंट्री की हमने जस्ट, कैसा लग रहा है, क्या सीन है अंदर तक। गाइस बालाजी टेंपल है, लुक एट दिस, यहाँ पे लुंगी पहनना पड़ रहा है, ऊपर रखी हुई है आई थिंक, तो पहन लेंगे दीदी, बाकी पेंट्स में अलाउड है अंदर जाना। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने कैथेड्रल चर्च में, जो कि एशियाज लार्जेस्ट चर्च है। हमको पता भी नहीं था कि एशिया का लार्जेस्ट चर्च इंडिया में है, और वो भी गोवा में है। तो दो चर्चेज हैं आमने सामने बने हुए, एक कैथेड्रल चर्च है, एक जेवियर्स सेंट जेवियर चर्च है। सेंट जेवियर चर्च वही चर्च है जिसके नाम पर वेरियस कॉलेजेस, वेरियस स्कूल्स आर एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कितने अच्छे क्वालिटी कॉलेज हैं, हाँ ऐसा बोलते हैं कि जो जेवियर चर्च है उनकी बॉडी यहीं पर उनको वो किया गया है, ऑडिटोरियम। सो यहाँ आपको अंदर घूमते बताते हैं क्या क्या नज़ारे हैं, और ये चर्च इतना, अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से देखेंगे। और ये चर्च इतना बड़ा है कि एक बार में यहाँ पर 15 शादियाँ हो सकती हैं, इतना बड़ा एरिया में है। अभी आपको चर्च की व्यू दिखाते हैं। गाइस फाइनली हमारा चर्च हो चुका है। ये गाइस देखिए पीछे, ये दिख रहा है पूरा, हमने बना लिया पूरा ब्लॉग इसका, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा है क्रिश्चियंस का, टूरिस्ट को अलाउड नहीं है, बट ये अंदर प्रेयर चल रही है। बहुत प्यारा चर्च है, बहुत ब्यूटीफुल है, और गोवा का जो वाइट चर्च देखते हैं लोग हर फोटोज़ में, वो यही चर्च है। चर्च कैथेड्रल, एशियाज लार्जेस्ट चर्च, ये उसके बाद म्यूजियम है, म्यूजियम और चर्च दोनों आमने सामने, और सेंट जेवियर चर्च। सो गाइस ये उसके जस्ट फ्रंट में था सेंट जेवियर चर्च, सो कैथेड्रल चर्च और जेवियर चर्च दोनों आमने सामने हैं, और इसका भी काफ़ी अच्छा नज़ारा था। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं साउथ गोवा का टूर करके, जो कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, बहुत मज़ा आया। हम आ चुके अपने होटल में। सो कैसा लगा आपको साउथ गोवा टूर? अमेजिंग था गाइस, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चर्चेस, टेंपल, बीच साइड, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। आपको पूरा कल्चरल पार्ट दिखाएंगे गोवा का, जो कि एकदम डिफरेंट है, जो कि इंस्टाग्राम और अदर थिंग नहीं दिखाते, तो आप इसको कम्प्लीटली देखना और इन्जॉय करना। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ही ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।